I am Professor Anant Kumar. I am Professor of Urology, Uro-Oncology and Orientation at Max Group of Hospital. And I am basically at Max Saket and Max Vaishali. Prostate cancer old age mein kaafi common hota hai. But prostate cancer sabke liye khatarnak nahi hota hai. Kareeb 20% of the patient mein prostate cancer problem karta hai. 80% mein bahut slowly grow karta hai. Aur wo प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं करता है। हर आदमी को एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो कि ब्लैडर के नीचे होती है। आफ्टर द एज ऑफ 50 वो स्लोली बढ़ने लगती है और ये एज रिलेटेड चेंजेस हैं, ये बढ़ते जाते हैं जब तक कि पेशेंट की डेथ नहीं हो जाती। इसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को प्रोस्टेट में सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बार बार पेशाब करने जाना, पेशाब का फ्लो कम हो जाना, पेशाब में जलन होना, रात में पेशाब निकल जाना और पेशाब रुक जाना। ये सिम्टम्स प्रोस्टेट कैंसर की वजह से हो सकते हैं, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर अर्ली स्टेज में कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। जब प्रोस्टेट कैंसर लेट स्टेज में पहुंचता है तब ये सिम्टम्स आते हैं, जैसे यूरिन के सिम्टम्स, और जब प्रोस्टेट कैंसर बॉडी में फैल जाता है तो सिम्टम्स आते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर को कैसे पिकअप किया जा सकता है, इसके लिए दो चीज़ें। पहली चीज़, फैमिली हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर किसी को भी फैमिली हिस्ट्री है, उसके पिताजी को, उसके चाचा को या उसके किसी रिलेटिव को प्रोस्टेट कैंसर था, देन उसको ज़रूर अपना PSA कराना चाहिए 40 ईयर्स ऑनवर्ड, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर फैमिली हिस्ट्री में जल्दी होता है और ख़तरनाक भी होता है। दूसरा, अगर आपको प्रोस्टेटिक सिम्टम्स हैं तो आपको सीरम PSA कराना चाहिए। सीरम PSA एक ट्यूमर मार्कर है जिसके हमें ये पता चलता है कि प्रोस्टेट का साइज इनलार्ज हो रहा है, और अगर प्रोस्टेट कैंसर है तो तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में हम पेशेंट को एग्ज़ामिन करते हैं, अगर हमें कुछ सस्पिशन होता है तो हम उसका बायोप्सी करते हैं, और या अगर PSA ज़्यादा होता है तो आजकल हम लोग मल्टी पैरामीट्रिक MRI कराते हैं। वो हमको ये बता देता है कि प्रोस्टेट में कोई छोटा सा फोकस है, अगर कोई फोकस होता है तो उसकी हम आजकल बायोप्सी करते हैं। इसके लिए मेरी आपसे सलाह होगी, अगर आपको कोई सस्पिशन है, फैमिली हिस्ट्री है, यूरिन में सिम्टम्स है, तो अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें और इसका इलाज कराएं, जिससे कि आप ठीक हो सकें। धन्यवाद। थैंक यू।